हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज फूड बास्केट। तो आज हम बनाएंगे हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी मैदा, एक कटोरी चावल का आटा, थोड़ा सा नमक, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच स्पाइसी मोमो चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। यहाँ एक चम्मच मैंने लिया है टोमेटो केचप, आधा चम्मच मैंने ली है सोया सॉस, यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और यहाँ मैंने ली है एक छोटी शिमला मिर्च, इसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और फिर हमें चाहिए आलू। यहाँ पे मैंने चार छोटे साइज के आलू यूज किए हैं। इन्हें हमने इस तरीके से काटना है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज के लिए काटते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि काटने के बाद इन्हें बिल्कुल भी बिना पानी के नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ब्राउन हो जाएंगे। तो अब हमने इन्हें धो लिया है और पानी में ही रखा था, तो अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में बॉइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी हल्का गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसके बीच में ऐड कर देंगे हमारे आलू। इन्हें हमने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि पानी में बॉईल नहीं आता, और जब पानी में बॉईल आ जाएगा उसके बाद हमने इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। तो अब जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हम मैदे और चावल के आटे का एक घोल बना लेंगे। हमने एक थिक घोल बनाना है जो आलू को इजीली कोट कर सके। तो हम यहाँ जितना हमने एक कटोरी मैदा लिया था वो सारा ले लेंगे, लेकिन एक चम्मच के आसपास छोड़ देंगे। उसी तरह हम चावल का भी एक चम्मच छोड़ देंगे और बाकी का यूज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसमें लंप्स आ जाएंगे। तो अब हमारा ये थिक पेस्ट बनके रेडी हो गया है, इसे हम साइड पर रख लेंगे। अब हमारे पानी में बॉईल आ गया है, अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे 5 मिनट तक और पका लेंगे। तो अब हमारे आलूओं को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, आप इन्हें चेक करके देख सकते हो। एक आलू को चाकू की उल्टी साइड से काट के देख लो, अगर ये कट रहा है तो इस टाइम पे हमने इसे बंद कर देना है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, और इसका पानी निकाल लेंगे। तो अब हमारे आलू रेडी हैं, इनका हमने गर्म पानी निकाल के इन्हें ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब जो हमने एक एक चम्मच मैदा और चावल का आटा छोड़ा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। सूखा चावल का आटा और मैदा मिक्स करने से ये होगा कि जब हम इन्हें जो हमने घोल बनाया था उसके अंदर डालेंगे तो वो घोल इन पे इजीली कोट हो जाएगा। आराम आराम से मिक्स करेंगे आप इसे, नहीं तो आलू टूट सकते हैं। तो अब हमने इन पे ड्राई कोटिंग कर दी है, अब हम इन सबको डाल देंगे हमारे घोल के अंदर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके आलू डालेंगे, इकट्ठे नहीं डालेंगे वरना वो आपस में चिपक जाएंगे। इन्हें हमने सिर्फ हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको डबल फ्राई करना है। तो पहले हम सिर्फ हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम सबको एक साथ फ्राई करेंगे थोड़ा ज्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब ये हल्के फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के आलू को फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने अपने आलूओं को एक बार फ्राई कर लिया है, अब हम फुल रखेंगे गैस का फ्लेम और तेज गरम तेल में इसको दोबारा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इन्हें हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं वो डबल फ्राई हो गए हैं, अब ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अब हम इनकी जो ग्रेवी है वो रेडी करेंगे।
तो अब एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके ऊपर से हमने ऐड किया है प्याज। प्याज हमारा हल्का पक गया है तो हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो अब हमारी प्याज और शिमला मिर्च जो है वो हल्की पक गई है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी टोमेटो केचप। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी स्पाइसी चटनी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सोया सॉस और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे पकने देंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच मैदा और आधा चम्मच चावल का आटा मिला के एक घोल रेडी कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब हमारी ये सॉस रेडी हो गई है। अब हम इसमें हमारी फ्राइड पोटैटोज डाल देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब हमारा हनी चिली पोटैटो रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें लास्ट में 1 चम्मच शहद का डाल सकते हो। तो अब हमारा हनी चिली पोटैटो रेडी है, आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।